बुलंदशहर में तहसील सियाना क्षेत्र के किसानों ने बेसहारा गोवंशों द्वारा फसलों में हो रहे भारी नुकसान के कारण किसानों ने आज सड़कों पर उतरकर भारी विरोध किया। गुस्साए किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने शासन प्रशासन पर बार बार झूठे आश्वासन देने का भी आरोप लगाया है। किसानों ने कहा कि शासन प्रशासन बेसहारा गोवंशों को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे किसानों की फसलों को बेसहारा गोवंश बर्बाद कर रहे हैं। मामले को गरमाया देखते हुए सियाना कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे और किसानों को शांत करवाया। इस दौरान सूचना मिलने पर सियाना एसडीएम सुभाष सिंह मौके पर पहुंचे। किसानों के पास पहुंचकर सियाना ब्लॉक के बीडीओ को फोन पर जमकर फटकार लगाई। इस मौके पर एसडीएम ने किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। बुलंदशहर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हम, क्या डिमोलाइज कर रहे हैं आप बताओ, क्या ना कर रहे हैं आप? ये खेतों में गाय खा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी रोकने की हमारी थोड़ी है। तुम पकड़वा के क्यों नहीं हो रहे? बात करने के लिए खड़े हैं लोग, बात कर रहे हैं, सब मत बोल। अरे सुनो यार, कल हमने वीडियो बनाया यहाँ संस्कार के बराबर में, एक किसान के पास 4 बीघे गेहूं खड़ा है, आपको मैं दिखा के लाऊं, और 70 पशु उसमें खा रहे हैं। ये संस्कार के पास का वीडियो है, इसके पास क्या बचेगा? ये तो साला जिंदा ही मर जाएगा। आपको मरेगी तो जिंदा है, जिंदगी बिल्कुल जिंदा ही ना आपको। एसडीएम साहब, ये बताओ ये कौन सा प्रयास है जो हमें करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, बस यही करा होगा। बिजली विभाग कोरी लूट कर रहा है बिजली दफ्तर में, कल हमने वहाँ पे पकड़ा है उसको, सरेआम पकड़ा है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि तो ला उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो साला पकड़ा है। अरे साहब एक बात बताओ, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा हमने उसको, कल उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप जो एक्शन से उन्होंने क्या कार्रवाई करी, आपको हम इसके बारे में पहले अवगत करा चुके हैं जी। बिजली विभाग किसान की लूट कर रहा है, लेकिन फिर भी कल वो ही मांगों को लेकर धरना। आज ब्लॉक में हमारा धरना प्रदर्शन था, जिसकी सूचना हमने प्रशासन को पहले दे रखी थी। आज जो आवारा पशु हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, उनके लिए हमारा धरना प्रदर्शन था, और प्रशासन ने आज उसको कोई भी गौर ना करते हुए, वीडियो भी हमें ब्लॉक में नहीं मिले, फिर हमें मजबूरन उसकी तालाबंदी करनी पड़ी, और उसके बाद हम लोगों को सड़क पे आना पड़ा, तब प्रशासन हलचल में आया है। एसडीएम साहब, सीओ साहब, डीएसपी साहब सब जो है अब आए हैं। आज किसानों की फिर समस्याओं का समाधान किया गया है। आज हमने चेतावनी दी है कि अगर 6 तारीख तक ये सब आवारा पशु गौशालाओं में नहीं पहुंचाए गए, जहां प्रदेश सरकार बजट भेज रही है, प्रदेश सरकार बजट भेज रही है, और ये जो निकम्मे लोग हैं जो प्रदेश सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जो अधिकारी, वो उन आवारा पशुओं को नहीं पकड़ रहे और सारे बजट को खुद खा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि अगर 6 तारीख तक ये सारे आवारा पशु गौशालाओं के अंदर नहीं हुए, जहाँ प्रदेश सरकार बजट भेज रही है, तो हम सब क्षेत्र के किसान गढ़गंगा पर जाकर जल समाधि लेंगे। ये मेरी खुली चेतावनी प्रशासन क्या आश्वासन दिया है। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 6 तारीख से पहले समस्त इन्हें जो है पशुओं को पकड़ लेंगे, और हमने उनके आश्वासन को मान लिया है। बिजली का मुद्दा आप जोर जोर से बार बार उठाते हैं, क्या मुद्दा? बिजली का मुद्दा है, बिजली में जो प्रदेश सरकार कह रही है कि हम किसानों को छूट दे रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी डिस्कनेक्ट करने के नाम पे 1000 मतलब छूट है 800 रुपये की, और डिस्कनेक्ट के नाम पे किसानों से लिए जा रहे हैं 1000 रुपये, जो सरासर किसानों के साथ अन्याय है। हम किसी भी किसान का DR जब तक उसके पास नोटिस नहीं होगा, जब तक उसके पास सूचना नहीं होगी, जब तक उस किसान का जो कनेक्शन काटने और जोड़ने की प्रक्रिया विभाग स्वयं नहीं करेगा, अगर फाइलों में कागजों में इन सबको दर्शाएगा, हम किसी भी किसान का DR जमा नहीं होने देंगे। एक मामला संज्ञान में आया कि बिजली कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, उसके बारे में एक्शन साहब से आप मिले, एक्शन साहब आपको बताएंगे। अच्छा, कितने रुपये ले रखे थे किसान से? किसानों से तो अवैध वसूली कर ही रहे हैं। नहीं, आपने बंधक बनाया उसे कार्यालय में, आप कितने पैसे आपने वापस? 500 रुपये उसे रंगे हाथों लेते हुए पकड़ा गया था, और उसकी वीडियो भी हमारे पास है। कहाँ का किसान था जिससे पैसे मांगे जा रहे थे? वो किसान था, किसौले का किसान था, ये है किसान मौजूद है हमारे पास। क्या बिजली बढ़ोतरी के बिल को लेकर भी? हाँ, बिजली का बड़ा बिल है तो तत्काल जो कम करा जाना चाहिए। बहुत है यार, कस्बा सियाना में आवारा पशुओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं व किसानों ने अपनी समस्या को लेकर जाम भी लगाया, लेकिन एसडीएम सियाना की मौजूदगी में सारा मामला रफा दफा कर दिया। एसडीएम सियाना ने आश्वासन दिया है कि आवारा पशुओं को लेकर जल्द से जल्द जो भी शिकायत आ रही है उनका निस्तारण जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है, शासन प्रशासन किसानों की क्या मदद करता है।
सर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।